Hello student, good morning, how are you? I hope you all are fine. Today I will teach you poem number 3, Little by Little. How do plants grow? आपको पता है कि प्लांट कैसे ग्रो होता है? तो सबसे पहले एक छोटा सा सीड होता है, उसको जमीन के अंदर यानी कि मिट्टी के अंदर दबाया जाता है। फिर उसमें हम लोग हर रोज एवरीडे थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहते हैं। फिर जो सनलाइट आती है यानी कि सूर्य की धूप आती है, तो सूर्य की धूप और पानी दोनों हम हर रोज़ उसको सन अपनी सनलाइट देता है और हम उसको पानी देते हैं और धीरे धीरे वो सीड ग्रो होकर उसमें से एक छोटा सा रूट निकलता है और रूट के बाद शूट। रूट जमीन के अंदर की तरफ होता है और जो शूट होता है वो जमीन की ऊपर बाहर निकलता है। इस तरह से फिर वो प्लांट धीरे धीरे ग्रो होता है और एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है। इवन द बिगेस्ट ट्रीज बिगिन लाइफ एज टाइनी सीड्स। जो पेड़ होता है बहुत बड़ा, वो भी अपनी लाइफ की शुरुआत एक छोटे से सीड से होती है उसकी, क्योंकि हमने एक छोटे से सीड्स को जमीन के अंदर बोया हुआ होता है। फिर वो ग्रो होता है और ग्रो होकर धीरे धीरे वो ईयर बाय ईयर ग्रो होकर एक बिगेस्ट ट्री बन जाता है। रीड अबाउट हाउ द लिटल एकॉर्न ग्रू बिग। हमें ये पोएम में देखना है कि जो छोटा सा एकॉर्न का सीड्स है वो ग्रू होके किस तरह से बड़ा होता है। यहाँ पर हमें पिक्चर में दिखाया गया है कि ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है ना पेड़ के बाजू में छोटा सा, वो एकॉर्न का सीड्स है। क्या है वो? एकॉर्न सीड्स है। ये कार्टून में भी आता है, आप सब लोग कार्टून देखते हो ना, तो कार्टून में भी ये एकॉर्न सीड्स आता है, ठीक है। और फिर हमें देखो इस साइड छोटा सा एक प्लांट दिया है, उसका सीड्स अर्थ के अंदर नीचे मिट्टी में किस तरह है और उसमें से कैसे रूट निकलते वो हमें दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम पोएम रीड करेंगे, लिटल बाय लिटल एंड एकॉर्न सीड। एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मोजी बेड, I am improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little, each day it grew. Little by little, it sipped the dew. Downward it sent out a thread like root. Up in the air sprang a tiny shoot. Day by day and year by year, little by little the leaves appear, and the slender branches spread far and wide, till the mighty oak इज द फॉरेस्ट प्राइड। अब हम ये पोएम को एक्सप्लेन कर रहे हैं। लिटल बाय लिटल एंड एकॉर्न सीड। तो एकॉर्न का एक छोटा सा सीड्स है, इज इट स्लोली सैंक इन इट्स मोजी बेड। वो एकॉर्न के सीड को जमीन के अंदर जो मिट्टी होती है उसके अंदर उसको वहाँ पे क्या किया है, उसको बोया जाता है। आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे। वो एकॉर्न का सीड कहता है कि मैं जमीन के अंदर छुपा हुआ हूँ और मैं हर रोज़ इम्प्रूविंग यानी वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। हाइडन डीप इन द अर्थ अवे, वो बोल रहा है कि मैं अर्थ के अंदर बहुत डीप में छुपा हुआ हूँ। लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू, मैं हर रोज़ थोड़ा थोड़ा ग्रू हो रहा हूँ। लिटल बाय लिटल इट सिप द ड्यू। ड्यू का मीनिंग होता है कि जो छोटी सी ग्रास होती है ना, वहाँ पे सुबह आप देख रहे हो तो वहाँ पे पानी की छोटी छोटी वाटर की वहाँ पे ड्रॉप्स होते हैं, वो जो वाटर की ड्रॉप्स होती है उसे क्या बोलते हैं? ड्यू। तो वो एकॉर्न का सीड बोल रहा है कि मैं वो जो पानी की बूंदे होती है उसको सोस लेता हूँ और मैं हर रोज़ थोड़ा थोड़ा ग्रो हो रहा हूँ। डाउनवर्ड इट सेंड आउट अ थ्रेड लाइक रूट, फिर उसमें से छोटी सी थ्रेड यानी धागा, छोटी सी थ्रेड जैसी मेरी जमीन के अंदर नीचे रूट्स निकल आती है। अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी सूट, और उसके बाद जमीन के ऊपर छोटी सी मेरी एक सूट, जैसे कि ये देखो पेड़ में बाजू में हमें ट्री दिखा है ना, वहाँ पे जो ब्राउन कलर का ट्रंक दिख रहा है, तो सबसे पहले वो एकदम छोटा सा थ्रेड जैसा एक ऊपर की तरफ सूट निकल आता है अंकुर की तरफ। डे बाई डे एंड ईयर बाई ईयर, दिन ब दिन और सालों साल
मैं बड़ा हो रहा हूँ। लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर, और जो सीड्स है वो ग्रो होकर एक प्लांट होता है। प्लांट में से फिर वो उसकी बहुत सारी क्या होती है, ब्रांचेस होती है, और उसके ऊपर बहुत सारे लीव्स होते हैं। एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड, और मेरी ब्रांचेस से सब तरह आजू बाजू में फैल गई है और एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया है। पेड़ के ऊपर देखो हम लोग दिख रहे हैं ना, बहुत सारे लीव्स देख सकते हैं, और वहाँ पे फ्रूट्स भी है ना। पिक्चर में हमें दिखाया गया है, बाजू में ही हमें ट्री दिया है, तो उसमें हम लोग देख सकते हैं। टिल द माइटी ऑक इज़ द फॉरेस्ट प्राइड, और जो एकॉर्न का सीड है, जो एकॉर्न का सीड है जो हमने बोया हुआ है, उसमें से जो बड़ा पेड़ बनता है उसका पेड़ का ट्री का नेम क्या है, ऑक ट्री। एकॉर्न सीड में से जो पेड़ बनता है उसका नेम है ऑक ट्री, ठीक है। तो ये जो ऑक ट्री है वो फॉरेस्ट का प्राइड है, जैसे लायन होता है ना किंग, इसी तरह से यहाँ पे फॉरेस्ट का ये ऑक का ट्री है वो प्राइड है, यानी कि वो उसका गर्व है। अब हम देखेंगे न्यू वर्ड्स। हाइडन मीन्स छुपना, स्लोली धीरे धीरे, डाउनवर्ड मीन्स अंदर की तरफ, स्लेंडर यानी पतला सा, थिन ब्रांचेस यानी पेड़ की जो डाली है वो, प्राइड यानी गर्व फील करना, इम्प्रूव यानी कोई सुधार होना, सिप यानी कि सोचना, सूट मीन्स उसकी जो ऊपर की तरफ छोटी सी एक छोटा सा एक थ्रेड जैसा ऊपर अंकुरण जैसा निकलता है वो। फिर हमें यहाँ पे दिया गया है रीडिंग इज फन। क्वेश्चन वन, नेम द ट्री दैट द एकॉर्न ग्रोज इट। तो जो हमने एकॉर्न का सीड्स रखा था जमीन के अंदर, वो ग्रो के कौन सा पेड़ बनता है वो पेड़ का हमें यहाँ पे नेम लिखना है। तो आंसर आएगा ऑक ट्री। क्वेश्चन टू, व्हाट थिंग्स डज अ सीड नीड टू ग्रो। सीड्स को ग्रो होने के लिए क्या चाहिए उसको। तो सीड्स को ग्रो होने के लिए उसको क्या चाहिए, वाटर और सनलाइट, ठीक है, सूर्य की जो धूप आती है ना वो चाहिए, और पानी। तो अ सीड नीड्स वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो। थ्री, हाउ मैनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कैन यू फाइंड इन दिस पोएम। ये पोएम में कौन कौन से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है, ठीक है, वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हमें लिखना है मोजी, डीप, लिटल, थ्रेड लाइक, टाइनी, स्लेंडर, वाइड, माइटी, ठीक है, ये सारे क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है। फिर दिया है टॉक टाइम। लुक एट द टू पिक्चर्स, फाइंड फोर थिंग्स दैट आर डिफरेंट अबाउट दिस ट्रीज एंड टॉक अबाउट देम। हमें यहाँ पे टू पिक्चर्स दिए, उसमें हमें ट्री दिख रहा है ना, दोनों पेड़ दिख रहे हैं। जो वन पिक्चर है उसमें जो ट्री है वो क्या कर रहा है, हैप्पी है, यानी खुश दिख रहा है। और जो सेकंड ट्री है, पेड़ है, वहाँ पे वो पेड़ क्राई यानी कि रो रहा है, वो सैड है, बहुत दुखी है। फिर उसमें दूसरा क्या डिफरेंट है, जो वन पिक्चर है उसमें फ्रूट्स दिए, वेजिटेबल्स दिए, मेडिसिन है, ठीक है, और जो सेकंड पिक्चर दिया गया है वहाँ पे कुछ भी नहीं है, है ना, वहाँ पे नो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिन कुछ भी नहीं दिख रहा है। फिर जो फर्स्ट पिक्चर दिया है वहाँ पे हमें नेस्ट दिख रहा है ना, और जो सेकंड पिक्चर दिया है वहाँ पे नेस्ट है लेकिन वो ठीक तरह से अपनी प्रॉपर प्लेस पर नहीं है, दिख रहा है ना। तो हमें टू पिक्चर में फोर थिंग्स से जो भी डिफरेंट है वो यहाँ पर हमें लिखना है, उसके फोर डिफरेंस लिखने हैं। तो हमें पहले क्या लिखना है, पिक्चर वन, पहले हमें पिक्चर वन करना है और उसके फोर जो डिफरेंस है वो लिखने हैं, बाद में हमें पिक्चर टू का लिखना है, ठीक है। तो अब हम वहाँ पर लिखेंगे पिक्चर वन। वन नंबर, ट्रीज गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। सेकंड में लिखेंगे ट्रीज गिव अस फ्रेश एयर। थ्री नंबर, ट्रीज गिव अस मेडिसिंस। फोर नंबर, बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन ट्रीज। अब सेकंड पिक्चर में लिखना है वी कट डाउन ट्रीज फॉर वुड।
सेकंड नंबर वी बर्न द वुड एंड पॉल्यूट द एयर. थ्री नंबर व्हेन वी कट ट्रीज वी डिस्ट्रॉय द होम्स ऑफ बर्ड्स एंड सो दे फ्लाई अवे. और फोर नंबर ले लिखना है कि वो पेड़ कैसा दिख रहा है हमें, सैड दिख रहा है. ठीक है, फिर हमें नेक्स्ट क्या दिया है, लेट्स राइट लुक एट पिक्चर्स वन. तो मैंने जो फोर सेंटेंस बताए वो यहाँ पे पिक्चर वन में लिखने हैं और जो पिक्चर टू लिखा है वहाँ पे हमें वो फोर सेंटेंस लिखने हैं. ठीक है, फिर लिखा है दिस वर्ड्स डिस्क्राइब पार्ट्स ऑफ अ ट्री, राइट देम इन द गिवन स्पेस. यहाँ पे हमें जो भी वर्ड्स दिए, ठीक है, डिस्क्राइब पार्ट्स ऑफ अ ट्री, तो हमें जो यहाँ पे वर्ड्स लिख के दिए उसके हमें यहाँ पे जो स्पेस दिए वहाँ पे उसके हमें सेंटेंस लिखने हैं. तो वन नंबर में हमें क्या लिख के दिया है, स्ट्रिंग दिया है, तो वहाँ पे हमें लिखना है इट्स असिस्ट द ट्री इन स्टैंडिंग स्ट्रेट. सेकंड में दिया है बार्क, इट इज़ द आउटर लेयर ऑफ द ट्री. लीव्स, लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द ट्री. ब्रांच, द ब्रांचेज ऑफ द ट्री बियर लीव्स फ्रूट्स और अ ब्रांच ऑफ द ट्री. फिर हमें दिया है टिंग्स, द टिंग्स आर द लिटल शूट दैट ग्रो फ्रॉम अ स्टिंग. रूट, इट इज द पार्ट फ्रॉम वेयर द ट्री बिगेन्स टू ग्रो. शूट, इट इज द न्यू ग्रोथ फ्रॉम द सीड जर्मिनेशन. ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया है मैच द अपोजिट्स, वन हैज बीन डन फॉर यू. वन हमें करके दिया है माइटी तो वीक, वो मैच करके दिया है, बाकी के सारे हमें मैच करने. तो डाउनवर्ड अपवर्ड, स्लोली फास्ट, लिटल बिग, स्लेंडर फैट, डे नाइट.